खबर लखीमपुरखीरी से, जहां एक रेप पीड़ित पानी की टंकी पर चढ़ गई है और ये पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी है। ये पेट्रोल उसने अपने शरीर पर उड़ेल लिया है और न्याय की मांग ये पीड़ित कर रही है। मौके पर हालांकि आला पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं और लगातार इस पीड़िता को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है ताकि ये नीचे उतर आए, लेकिन अभी की जो स्थिति है, तस्वीरें जो है वो हम आपको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। एक बार जब तुरंत कार्रवाई होगी, आप आओ तो नीचे। अरे एक बार नीचे तो आ जाओ, एक बार आ जाओ, पहले बता दो, नहीं अगर आपकी होगी आप तुरंत चले जाइए। तो इस तरह से उसे समझाने बुझाने की कोशिश लगातार हो रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और वो उसको आश्वासन दे रहे हैं कि आप एक बार नीचे आ जाएं, आपकी मांग तुरंत पूरी होगी, सुनवाई आपके मामले में जरूर की जाएगी। लेकिन रेप पीड़िता अभी समझने को तैयार नहीं है। उसका सीधे सीधे कहना यह है कि वो लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रही है, अपनी मांग को लेकर लगातार ऑफिसर्स के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। ये रेप पीड़िता है जिसने अब ये रास्ता अख्तियार किया है कि पेट्रोल लेकर एक बोतल में ये पानी की टंकी पर चढ़ गई है और ये पेट्रोल इसने अपने शरीर पर उड़ेल भी लिया है। अरे एक बार नीचे तो आ जाओ, एक बार आ जाओ, पहले बता दो, नहीं अगर आपकी होगी आप तुरंत चले जाइए। एक बार आ जाओ, तुरंत कार्रवाई होगी, आप आओ तो नीचे। तो रेप पीड़िता का कहना यह है कि तकरीबन एक साल हो चुका है उसे न्याय की गुहार लगाते लगाते, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। कमल मिश्रा इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अभी ताजा स्थिति आप बताएं, क्या पुलिस के आला अधिकारी अब कदम उठाने के बाबत सोच रहे हैं, क्योंकि रेप पीड़िता पूरी तरह से अपनी जिद पर अड़ी है और नीचे आने को तैयार नहीं है। देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये एक बार ऐसा प्रयास कर चुकी है ये रेप पीड़िता, और इसका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस अधिकारी इसकी कतई बात को सुन नहीं रहे हैं, जबकि वो रेप पीड़ित है, बावजूद इसके कि उसको पेट्रोल लेकर के 100 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ना पड़ा है। और अभी मैं अगर ताजा अपडेट की बात आपसे करूं तो फिलहाल उसको पुलिस अधिकारियों ने मान मनोवर करके नीचे उतार लिया है और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसे। चलिए, तो थोड़ी सी राहत देने वाली खबर। कमल, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस रेप पीड़िता को मान मनोहर करके नीचे उतार लिया गया है।